हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट खबरी। एंड आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो जो है ITM यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो कि सिचुएटेड है ग्वालियर में। अब ITM यूनिवर्सिटी एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है आपको बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि साइंस, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सारी कोर्सेज में आपको ये ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको प्रोवाइड करती है। अब ये UGC एंड AICTE के अंडर अप्रूव्ड एंड अफिलिएटेड है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर में बेस्ड है। अब ग्वालियर के NH नेशनल हाईवे 75 पर ये लोकेटेड है और ये फैली हुई है 125 acres में। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब इसकी डिस्टेंस की बात करूँ तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन से इसका ये 19 kilometers दूर है एंड फ्रॉम एयरपोर्ट इट इज़ 22 kilometers अवे। अब फैसिलिटी की बात करूँ तो 24 hours यहाँ पे फंक्शनल OPD है, यानी आपको मेडिकल रिलेटेड जो भी इमरजेंसीज हैं या फिर कुछ भी अगर होता है तो यहाँ पे 24 hours अवेलेबल OPD है। देन यहाँ पे सेपरेट बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे 4 बॉयज़ हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। उसके बाद जिम है, यहाँ पे ऑडिटोरियम है विथ अराउंड 3000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के साथ, सिटिंग कैपेसिटी के साथ। देन लैब्स बनी हुई हैं, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स स्पेस है, काफ़ी बड़े ग्राउंड्स हैं यहाँ पे, इंडोर फैसिलिटी भी है। देन बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद गेस्ट रूम, लाइब्रेरी और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। अब कोर्सेज की बात करूँ तो जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है और ये अलग अलग फील्ड्स, अलग अलग कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग होती है। अगर आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो BArch भी यहाँ पे होता है। देन बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स आप कर सकते हैं, आप BTech कर सकते हैं बहुत सारी फील्ड्स में, लाइक इन कंप्यूटर साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT और बहुत सारी फील्ड्स में आप इंजीनियरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट की बात करें तो BBA, BCom, BCom Honors, IPM इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट जो कि होता है, जो 5 साल का कोर्स होता है। देन उसके बाद BSc की बात करें तो BSc यहाँ पे होती है, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन फूड टेक्नोलॉजी और उसके बाद BCA, MCA प्रोग्राम्स, देन PG प्रोग्राम्स भी हैं, MTech है इंजीनियरिंग में और ऐसी बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, MBA भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो बहुत वास्ट रेंज ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। आप ग्रेजुएशन कोर्स, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। देन अगर आप चाहें तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी इनके जिनको आप कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। देन एडमिशन की बात करूँ तो अब एडमिशन प्रोसेस ऐसा है कि अगर आप इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपने JEE मेन के मार्क्स पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी खुद के लेवल पे भी एक एग्जामिनेशन फॉर UG एंड PG कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है ITM NEST। अब ITM NEST एक एग्जामिनेशन है जिसका फॉर्म आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको अराउंड 1000 rupees का पड़ता है, 1000 rupees का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी फीस एप्लीकेशन फी। देन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप GATE के मार्क्स के बेसिस पे भी ले सकते हैं। बाकी ये एडमिशन प्रोसेस के लिए जो एग्जामिनेशन लोग प्रोवाइड करते हैं वो तो है ही है। उसके बाद अब कोर्स फीस पे आ जाएं तो फॉर BTech प्रोग्राम जो एवरेज फीस रहती है वो है अराउंड 5 lakhs। देन MTech कोर्स के लिए इट्स अराउंड 2 lakh, MBA के लिए इट्स अराउंड 2 to 3 lakhs एंड फॉर BSc इट्स अराउंड 95,000 विच इज़ अंडर 1 lakh। एंड BTech प्लस MTech जो कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्स की फीस है वो है अराउंड 7 lakhs। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया BTech इज़ फॉर 5 lakhs एंड MTech इज़ फॉर 2 lakhs, तो दोनों को कंबाइन करें तो 7 lakhs में आपकी एक इंटीग्रेटेड डिग्री आपकी हो जाती है यहाँ से। और दूसरे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी एवरेज 7 lakhs के अराउंड कॉस्ट करते हैं। प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाता है यहाँ पे, अराउंड 80% जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ के इस यूनिवर्सिटी के वो प्लेस हो जाते हैं और प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा है यहाँ का। अब हाइएस्ट की बात करें, अब रेंज की बात करें जिसमें पैकेज लगता है, इस अराउंड 4 to 5 lakhs। अब हर फील्ड का या फिर हर स्कूल का, लाइक मैं बात करूँ जैसे इंजीनियरिंग का, उनका थोड़ा अलग पैकेज होगा, मैनेजमेंट वालों का अलग पैकेज होगा, तो पैकेज डिफर भी करते हैं, लाइक ये फिक्स पैकेज नहीं है। बट अप्रॉक्स की बात करें तो ये पैकेज आता है विच इज़ 4 to 5 lakhs। अब अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस भी हैं। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे कॉग्निजेंट, FedEx, विप्रो, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं जो रिक्रूट करके ले जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिनोन है, ग्वालियर में सिचुएटेड है। आप चाहें तो यहाँ से बहुत सारी कोर्सेज ये प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी है, अप्रूव्ड है
AICTE और UGC के अंडर। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है आप कोर्स के लिए अवेल कर सकते हैं। देन अलग अलग कोर्सेज हैं, आप किसी भी कोर्स के लिए फिल आउट कर सकते हैं और आपको जो भी डिटेल्स हैं बाकी की उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कीप वॉचिंग स्टूडेंट खबरें।